15 ऑफ एक्सरसाइज 1.4 आरडी शर्मा सॉल्यूशंस। ओके, तो हमें बताना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इनके लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट देना है। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्या होता है यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट ये होता है, जैसे मेरे पास एक कॉमन कैटेगरी आ जाती है सारे सेट्स की। समझ लो एक सेट है मेरे पास क्रोज का, ठीक है, ये क्रोज का सेट है, क्रो। एक मेरे पास सेट है पिजन्स का, ओके। अब मैं कह रही हूँ इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट मतलब ये दोनों सेट कौन से ऐसे सेट के अंदर लाए करेंगे, किस सेट, किस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये लाए करेंगे। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या होगा? बर्ड्स का, ठीक है, क्योंकि बर्ड्स के अंदर ही ये सब कैटेगरी है क्रोज और पिजन्स की। तो यूनिवर्सल सेट होता है वो सेट जो सारे सेट्स को अपने अंदर ले ले, मतलब उनका सबसेट बन जाए वो, और सारे ही उस सेट को बिलोंग करें। अब पिजन्स भी बर्ड्स को बिलोंग करेंगी और क्रोज भी बर्ड्स को बिलोंग करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें बताना है कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स जो है वो कौन से यूनिवर्सल सेट में आएगा, और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो है वो कौन से सेट में आएगा। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट विल कम इन द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। ओके, सारे ट्राइंगल्स के सेट में राइट एंगल भी आ जाएगा, ऑब्ट्यूज भी आ जाएगा, एक्यूट भी आ जाएगा, आइसोसेलेस भी आ जाएगा, इक्विलेटरल भी आ जाएगा, स्केलिन भी आ जाएगा, हर टाइप का ट्राइंगल आ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल दी ट्राइंगल्स। अंडरस्टूड?